लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिस्टर लोका का यह प्रपोजल मेरे समझ में नहीं आया। मिस्टर डीके, आप भूल रहे हैं, एक ही कंट्री में दो ग्रुप्स को आर्म सप्लाई का आइडिया मिस्टर लोका का है। आई थिंक हमें 20% की पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। नेवर, मैं इस प्रपोजल के फेवर में नहीं हूं। तो दोस्तों, हमारी इस डील के बारे में किसी को कुछ कहना है? नहीं? कोई भी सवाल किसी के दिमाग में उठ रहा हो वो कर सकता है। हाँ मिस्टर डीके। मिस्टर लोका, अब तक किसी भी बड़े या छोटे मुल्क से हथियारों की जो भी डील हुआ है हम बराबर के पार्टनर रहे हैं। आज भी पार्टनरशिप वैसा ही होना चाहिए। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं मिस्टर डीके? संभालिए अपने आप को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने आदमियों का नुकसान करके किसी किस्म का फायदा नहीं उठाना चाहता। लीजिए अपना सिगार तो जला लीजिए। इन्हें ऊपर उठने की बड़ी जल्दी थी, अंदर ही अंदर जलते रहते थे। और किसी को कुछ कहना है? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। कुंदन का इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से बचकर यहां तक पहुंच जाना
काबिले तारीफ है। हाँ, मगर जो कीमत वो मांग रहा है वो कुछ ज्यादा है। क्यों ना उसे मार कर वो प्रोजेक्ट एम की फाइल हम हथिया ले। नहीं, प्रोजेक्ट एम की फाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला हमारे साइंटिस्ट नहीं बना पाए वो इस प्रोजेक्ट एम की फाइल से पूरा हो जाएगा। फिर हम एक बड़ी ताकत बन जाएंगे और दुनिया को अपनी मिसाइल पावर से अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। कुंदन को मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, फ्रांस के सैलड्स, इधर हिंदुस्तानी खाना, वो है मुर्ग बहार, मटन मुगलाई, मुर्ग मुसल्लम, और वो है कश्मीरी डिश गोश्ताबा। नहीं नहीं नहीं, वो गोश्ताबा नहीं है। वो गोश्ताबा तब होता अगर उस पर धनिया और टमाटर के साथ साथ उबले अंडे काट के रखे होते तो। ये क्या बनाया है आपने? मुर्ग लजीज कश्मीरी बहार। और ये मेन्यू के अंदर क्या लिखा है? अच्छा खानसामा था। हमारी तरफ से इसकी कब्र पर एक टन सब्जियां चढ़ा दी जाएं। लगता है ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ओके। के आदमी कमाल के थे, बातचीत करनी नहीं आती एक शरीफ आदमी से। ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। इस फाइल के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो। मैं प्रोजेक्ट एम की फाइल के बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, तब तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। जहां भी ये जाना चाहे इन्हें हिफाजत के साथ वहां छोड़। एक्सक्यूज मी।
मिस्टर लोका, यह आपने क्या किया? मैं कहता हूं यह आदमी बहुत खतरनाक है। इसे जिंदा छोड़ने का मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया। जो भी हो, ये आदमी प्रोजेक्ट एम के बारे में जानता है। इसका कुंदन से कोई वास्ता है या यही कुंदन है, इसका पता चल जाए। मैंने इस पर पूरी निगरानी रखने का इंतजाम कर लिया है।